कानून व्यवस्था में तो योगी जी अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए सपा के सरकार में लाइट की इतनी स्थिति खराब रहती थी, एक एक दो दो बजे रात लाइट कट जाती थी और रात भर हम लोग रात भर किसी तरफ पंखे हाथ से हाँक के मच्छरों को भगा के रात भर नींद हराम हो जाती थी। बिजली रहेगा ही नहीं तो हम फी की बात क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने दमखम भर रहे हैं, तमाम प्रत्याशी लोगों के घर घर जाकर के डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन विराजमान होता है मुख्यमंत्री के रूप में। बहरहाल इस वक्त हमें मिर्ज़ापुर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों की प्राथमिकता को रख करके वो इस बार वोट करने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद अग्रहरी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को रख करके आप इस बार वोट करने वाले हैं? इस बार वोट करने वाला जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस ये करके हैं, तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी पहुँच है वही काम करते हैं। इससे बढ़िया तो पहले की आपकी ये बसपा सरकार थी मायावती की, सबसे बढ़िया चल रहा था, सारे अधिकारी काम तो करते थे। लेकिन कहा तो जाता है सबसे अधिक लॉ एंड ऑर्डर कहीं ठीक हुआ है तो योगी जी की सरकार। योगी की सरकार है, बात सही है, बट जो निचले स्तर के लोग हैं जिनकी काम नहीं हो पाता है वो परेशान हो जाते हैं, वो किधर जाएंगे बताइए। सब ऊपर स्तर से देख लीजिए, निचली स्तर से कौन देखेगा? फिर हम लोग तो जीविकोपार्जन का भी व्यवस्था कोई कर सकता है क्या करता है? ये सरकार में तो ऐसा है, 100 रुपये का आपको दे देते हैं चावल वगैरह और 500 रुपये गैस सिलेंडर में महंगा, 50,000 गाड़ी आज 1,00,000 रुपये की हो गई है, बताइए महंगाई तो है ना। ये महंगाई कहाँ जा रही है? सरकार दे रही क्या दे रही है? 4 ना ले रही है तो 10 पैसा दे रही है। तो हम लोग का जीविकोपार्जन की व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त है, और बाकी जो जिसकी लाठी उसकी भैंस ये कहावत तो लागू है, कोई भी चीज़ हो चले जाइए थाने होने पर तो कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी पहुंच है उसकी उसी सुनवाई होगी। सोर्स वाला सिस्टम आ गया, सोर्स होना। हाँ, सो ये जो कि ये सब नहीं होना चाहिए, सबको वरीयता मिलनी चाहिए, जो भी व्यक्ति है सबको उतनी सुनवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार आ जाएगी, कोई और सरकार आ जाएगी, तो क्या सोर्स नहीं लगाना पड़ेगा आपको? हमें लगता है, जैसे मैं पिछले पंचवर्षीय में देख चुका हूँ बसपा को, वो बढ़िया चला था, जिसमें ये समझ में आता है नहीं कि वो सरकार बढ़िया चल रहा था। बसपा का तो इस बार कोई नामो निशान नहीं है, ना वो खुद ही एक्टिव होकर नहीं करके है, मुझे जो अच्छा लग रहा था कि वही मैं कह रहा हूँ, आगे क्या आएगा कि ये तो समय ही बताएगा। और बाकी ऊपरी स्तर से तो योगी सरकार सबसे बढ़िया है, चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि योगी सरकार ही फिर दोबारा आए, पर योगी सरकार आए तो ठीक है, निचले स्तर से क्या आएगा ये गड़बड़ है। निचले स्तर से गड़बड़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग अग्रहरी है। आप यूथ हैं, किन मुद्दों की प्राथमिकता रखते हैं आप? जी अभी तो स्टडी से है। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार आने से जो कि मतलब एजुकेशन को मतलब बढ़ावा दे, जैसे कि योगी सरकार ने कर रहे हैं उस तरीके चल रहा है। और इस साल तो हम 18 हो गए हैं तो वोट मेरा भी देने का अधिकार हो गया है। वोट अधिकार हो गया है। इन छात्रों के लिए किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? इस तरीके से जैसे कि बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, अब बहुत सारे लोग नहीं निकाल रहे हैं, जैसे कि पहले निकलता था भाजपा में सपा में, तो उस तरीके से भी निकालना चाहिए योगी जी को। मगर जिस तरीके से उनका कानून है उस तरीके को बढ़िया चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा सा सिस्टम ठीक है, और जो गुंडागर्दी भी तो हटा है बहुत सारा, मतलब सेफ्टी है हम लोग के लिए भी, गुंडा माफिया राज का जैसे चल रहा है ठीक है। और भी लोग हैं, इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है? जनता देखिए, जो मुद्दे हैं, स्वशासन का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ये जो बेसिक मुद्दे हैं। और महंगाई जो आज यूथ के लिए दो ही मुद्दे हैं, एक तो महंगाई, दूसरा नौकरी का, कि कोरोना के वजह से तमाम ऐसी चीज़ें इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक कोचिंग में काउंसलर और मैं कंप्यूटर कोचिंग में पढ़ाता हूं, लेकिन कंडीशन 2 साल से चूँकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं, इलाहाबाद की भी स्थिति खराब है, मिर्ज़ापुर बनारस की भी स्थिति खराब है, तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हालांकि ये मुद्दे हैं कि बेरोज़गारी का मुद्दा और शिक्षा को के स्तर को तो ठीक है, और कानून व्यवस्था में तो योगी जी अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है,
अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी अच्छा कर रहे हैं प्राथमिकता। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि अगर युवाओं के प्रति और व्यवसायिक जो वर्ग है उनके प्रति अगर कुछ चिंतनशील सरकार करे तो और अच्छा हो जाएगा। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, जो कन्या पढ़ाई करने वाले उनको 36,000 तक रुपए भी दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि किसानों का कर्ज माफी 10 दिनों के अंदर ही कर दिया जाए, तो क्या लगता है इनसे जनता प्रभावित होंगी? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुझे याद है पिछले सपा के सरकार में, विंध्याचल की ही मैं बात कर रहा हूँ, कि लाइट की इतनी स्थिति खराब रहती थी, एक एक दो दो बजे रात लाइट कट जाती थी और रात भर हम लोग चूँकि मध्यम वर्ग के हैं, इन्वर्टर की सुविधा नहीं, हमारे यहाँ जनरेटर की सुविधा नहीं है, तो रात भर किसी तरफ पंखे हाथ से हाँक के मच्छरों को भगा के रात भर नींद हराम हो जाती थी। तो हमें ये नहीं लगता कि पिछला रिकॉर्ड देख के जो 300 बिजली का लॉली पॉप है वो बहुत कारगर साबित होगा। सरकार में घर बिजली बिजली रहेगा ही नहीं, बिजली रहेगा ही नहीं तो हम फी की बात क्या करते हैं। और रही कांग्रेस जो कह रहे हैं किसानों को कर्ज माफ़ी कर रहे हैं, अभी जब एमपी में गवर्नमेंट बना था राहुल गांधी भी वहीं ये बात बोले थे, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है उनकी वैसे वो अपने बातों से ही पलट जाते हैं। तो इन बातों में अब जनता जागरूक हो चुकी है, अपना हित अहित सब कुछ समझ रही है और इनके लॉलीपॉप वाले लोक लुभावन में फंसने वाली नहीं है जनता। अच्छा, इन चुनाव के बीच में, इन पार्टियों के बीच में ओवैसी भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण भी इस मैदान में आ रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी इससे प्रभावित होगी और दल भी प्रभावित होंगे? देखिए, ये जान लीजिए कि ओवैसी हो चाहे जो भी हो, ये सिर्फ बहुत करेंगे वोट कटवा का काम करेंगे, वोट काटेंगे, इनका कोई आधार विशेष है नहीं। और जहाँ तक है कि ओवैसी अगर वोट काटेंगे तो भाजपा को तो काटेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी को प्रभावित करेंगे या अन्य पार्टियों को प्रभावित करेंगे। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी, ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस पर। आपके यहाँ के सांसद अनुप्रिया पटेल, उनका कार्य कुशलता कैसा है? नहीं, अनुप्रिया पटेल जी ने अपने ये दूसरा कार्यकाल उनका है, तो पहले कार्यकाल में भी उन्होंने अच्छा काम किया है और दूसरा कार्यकाल में भी अच्छा कर रही हैं। हाँ, हम लोग सांसद जी से संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्ज़ापुर पहले से बदला है? हाँ, मिर्ज़ापुर पहले से बदला है और विंध्याचल में अब योगी सरकार जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर, उसके वजह से आप देख रहे हैं कि 70 फीट ये सड़क, एक समय ऐसा रहता था कि दो गाड़ियां अगर इस सड़क पे आ जाएं तो अच्छी खासी जाम लग जाती थी, लेकिन आज यहां से 70 फीट सड़क हो चुका है तो पर्याप्त। ये वाला रोड देखिए, योगी मोदी सरकार की ही देन है, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बस थोड़ी सी बेरोजगारी और महंगाई पर अगर सरकार ध्यान दे जाए तो हमें नहीं लगता है कि इससे अच्छा स्वतंत्र भारत में कोई सरकार होगी। जी, महंगाई और बेरोजगारी को थोड़ा सा कंट्रोल करे तो ये बेहतर सरकार होगी। क्या नाम है आपका? नरेश जायसवाल। किन मुद्दों को रख करके आप इस बार वोट करने वाले हैं? इस मुद्दा यही है सर कि इसमें सरकार में क्या है कि माँ बेटियाँ सुरक्षित हैं, शासन प्रशासन काल अच्छा है, इसलिए योगी सरकार अच्छा है। योगी जी को वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे हम। महंगाई बेरोजगारी को लेकर के लोग कहते हैं क्या? महंगाई बेरोजगारी तो है ही, थोड़ा गरीब लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन होगा आगे चल के, हो सकता है, शायद हो भी सकती है। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? इस बार हम योगी जी को वोट दे रहे हैं। इस बार योगी जी को वोट दे रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। इस बार क्या मुख्य मुद्दा है आप लोग की, किन मुद्दों को रख करके आप इस बार वोट कर रहे हैं? हम श्री राम जन्म मंदिर बन रहा है, इससे अपार खुशी है हमको, हम योगी जी और मोदी जी को ही जिताएंगे। मंदिर से ही आप खुश हैं? मंदिर से संतुष्ट हैं। कितना बदला है मिर्ज़ापुर इन 4-5 सालों? पहले से बहुत बदलाव आया है। क्या लगता है कि और कुछ बेहतर हो सकता था महंगाई बेरोजगारी को लेकर के? हाँ, सुधार आएगा। हाँ, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को रख करके इस बार मिर्ज़ापुर के लोग वोट करने वाले हैं। योगी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, यहाँ पे गुंडागर्दी भी नहीं अब है, सब स्वतंत्र हैं, निडर हैं, सबकी सुनवाई होती है और इसलिए योगी की सरकार ही बनेगी तो अति उत्तम है। अखिलेश यादव दावा कर रहे कि हमारी
बहुमत से सरकार बन रही है, हमारी इतनी सीटें आ रही, क्या लगता है कि उनका दावा सफल हो गया या झूठ है साबित होंगे? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सफल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक है योगी जी ही सफल होंगे, योगी जी की सरकार बन जाएगी, योगी की ही सरकार बननी चाहिए। जैसा कि देखा हमारे साथ लोग थे, जुड़े हुए थे, हम इनसे बात किए, इन्होंने कहा कि कुछ भी हो गुंडा माफिया राज उत्तर प्रदेश से ख़त्म हुआ है, और विंध्याचल कॉरिडोर भी भव्य रूप से, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है उसी तरह से विंध्य कॉरिडोर का भी निर्माण योगी सरकार में किया जा रहा है। कुछ लोगों ने राम मंदिर की प्रमुखता को रख करके कहा कि हम उसी से खुश हैं और योगी जी की पुनः सरकार आएगी। बहरहाल जो भी हो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अविनाश कुमार पांडे।